वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, तो स्वस्थ होनी भी चाहिए। और लास्ट वीडियो की कमेंट का शॉर्ट आउट जाता है रत्नेश को। तो रत्नेश भाई, आपके रुपए जो हैं वो मैं 10 लिए थे, वो तो मैं कब के दे चुका हूँ यार। कब तक मांगोगे 10 रुपए अपने? और दूसरी चीज़ यार, तुम 50 बार मांगोगे तो ये तो 5000 पे पहुँच जाएगा लिमिट। 10 का 500 कैसे पे कर पाऊँगा मैं? हैं तो भाई, अब नहीं मांगने का। और अब भी बाकी हो तो बता देना कौन से वाले बाकी हैं। और फिर जो लोग कह रहे थे कि कमेंट शॉर्ट आउट मेरे को भी दो, मेरा नाम नहीं लेता है तो मैं सभी का नाम लूँगा। और दूसरी चीज़ है, आप लोग कमेंट जो है वो वीडियो से रिलेटेड करा करो, तो मैं जिसकी भी अच्छी लगेगी उसका नाम लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। इससे पहले मैं नहाता हूँ और खाना पीना खाने के बाद फिर हम निकलते हैं घर से। आज कुछ नया होने वाला ब्लॉग में, तो ब्लॉग को पूरा देखना और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो बने रहना ब्लॉग में। चलते हैं फिर। और आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं मशरूम फार्म, यानी कि मशरूम की खेती किस तरह से की जाती है वो आज आपको पता रहेगा, क्योंकि हम भी खेती से जुड़े लोग हैं और आप में भी काफ़ी लोग हैं जो खेती से जुड़े होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए मशरूम की खेती दिखाने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक की पूरी मशरूम की खेती दिखाएंगे। यानी कि जो पैकेट में आता है 10 रुपए का 20 रुपए का, वो सारा आज दिखाएंगे, कैसे पैकिंग की जाती है, कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ देखिए। चलो चलते हैं फिर। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मशरूम फार्म पे, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं घर टाइप के बने हुए, ये है मशरूम फार्म, यहाँ पे होती है मशरूम की खेती। चलो हम लोग उतरते हैं अब बाइक से और देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं और इधर में होती है मशरूम की खेती। बाकी भैया ने बताया कि अंदर में बाहर के किसी पर्सन को अलाउ नहीं होता है, जो कि अंदर की वीडियो वगैरह बनाए, तो वो खुद ही वीडियो अंदर की बना कर देंगे, बाकी हम अलग से एडिटिंग उसकी करेंगे। और हम भैया से बातचीत कर लेते हैं कि मशरूम में क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कैसे क्या मशरूम की खेती करी जाती है। तो राम राम भैया। राम राम। तो आप हमें बताएंगे कि कैसे क्या मशरूम की खेती करी जाती है और क्या क्या मतलब ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की? इसमें खाद लगती है, भूसा है, और ये जिमसिम है, और हर के ये बोलते हैं उसका का नाम पाता पड़ता है, और भी इम्तियाम पड़ता है, इसे गलाया जाता है। अच्छा, गलाया जाता है, पड़ता है इसमें DAP है, NPK है, यूरिया है, और ये मुर्गी बीड है वो भी पड़ती है इसमें। तो इसका कोई बीज भी आता है या फिर खुद से ही मतलब उत्पन्न होता है? इसका गेहूं तरीका होता है। अच्छा, गेहूं की तरह होता है, बीज आता है हरियाणा से। अच्छा, दूर से। और ये खेती मतलब हर टाइम पे होती रहती है या कोई सीजन इसकी चलती है? सीजन है। सीजन क्या होगी, कौन से महीने में होती है? यही पड़ती जाती है अक्टूबर, मान लो पहले। अच्छा, सावन से अक्टूबर मान लो। और इसकी जो बिक्री वगैरह है वो लोग यहाँ से खुद ले जाते हैं या फिर कोई गाड़ी वगैरह आती है? जाती है, मंडी भी जाती है। अच्छा, मंडी में भी जाती है, होलसेल जाता है ना। हाँ, कितना माल होगा मंडी चला जाएगा, जो लेने आएगा तो यहाँ से भी मिल जाएगा। अच्छा, डिटेल में कुछ नहीं है क्या? डिटेल में कुछ नहीं, तो पैकिंग तो यही होती है। पैकिंग नहीं होती है, पैकिंग भी यही हो जाती है। पैकिंग बढ़िया है, पैकिंग इधर में हो जाती होगी पैकिंग। अच्छा, यहाँ पे होती रहती होगी, पैकिंग एरिया है सारा। अरे यहाँ पे पैकिंग एरिया है। अच्छा, ये तौलने वोलने के लिए है, ये पैकिंग एरिया है, तो यहाँ पर पैकिंग वगैरह होती है। नहीं तो जा, इतना मिक्सचर करके यहाँ पर उसमें फिर पानी डालते हो? पानी तो लगा ही नहीं पड़े भाई, यही कौन पैप पड़ा इधर। अच्छा, ये इधर में पाइप वगैरह पड़ा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये है पानी का इंतजाम, जिससे कि पानी लगाया जाता है मशरूम पे, फव्वारा टाइप का ये है, एकदम से देख लो आप। जिससे ज्यादा पानी ना लगे, ये फव्वारे इस वजह से हैं कि ज्यादा पानी जो है ना लगे, और मतलब और पानी सारे मशरूम पे पड़ भी जाए। और ये दिन में टूटती नहीं है, रात में तोड़ी जाती है। दिन में तो कोई ग्राहक आ गया तो तोड़ दी, नहीं तो नहीं। अच्छा, ये भी है। और यहाँ से कितने रुपए किलो मिल जाती है लोगों को? यहाँ से 150 चलती है, 150 रुपए किलो तक। और मंडी में? मंडी में 140। अच्छा, यहाँ से मतलब ताजी देते होंगे, इस वजह से महंगी रहती होगी। तोड़ के देते हैं यहाँ से, तोड़ के ले जाते हैं वहाँ।
हाँ बस ये यहाँ पे ताजी होती तो होगी। मंडी का तो रेट ही कुछ पता नहीं कितने खुल जाए। हाँ वो तो है, इसकी कैसिंग होती है, घुरा उरा पड़ता है इसमें। अच्छा देसी खाद बता रहे थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ये इधर में काफी है और यहाँ पर जरूरत के हिसाब से आती भी होगी। और उधर में वो मतलब छानी गई है ना, चलना भी लगाया जाता है जिससे महीन हो जाए और उसके बाद फिर डाली जाती है मशरूम पे। सब देसी माल लगता है ये इसलिए लगाया होगा जिससे कि हवा हवा ना, धूप नहीं लग सकती है, फिलहाल घाम नहीं जा सकती है, हवा भी नहीं जा सकती। अच्छा हवा भी नहीं लगनी चाहिए ना, गर्मा ही बनाई जाती है इसमें, गर्म चाहिए, हवा भी नहीं लगनी चाहिए इसमें। पड़ा इसमें हाइलोजन भी जलती, लाइट वगैरह की व्यवस्था अंदर ही है सारी व्यवस्था, मतलब जितनी ज्यादा हीट उत्पन्न कर दो उतना ज्यादा मतलब फायदा है, जब उतना अच्छा रहेगा। ये लाइट वगैरह का सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है, तार वगैरह हैलोजन बता रहे गर्मी के लिए लगाई जाती है। जिप्सम पाउडर ये है, जिप्सम पाउडर और खाद के भी कट्टे यहीं पर रखे जाते होंगे। मशरूम की खेती अंदर किस तरह से होती है, तो ये उस घर टाइप का बना था उसके अंदर का व्यू आप चेक कर रहे हैं अभी, और इस तरह से मशरूम की खेती अंदर की जाती है। इसी में भूरा या फिर देसी खाद जो है वो भी डाली जाती है, ये आपको काला काला नज़र आता है, ये सब देसी खाद डाली जाती है इसमें और पानी भी इसी पर लगाया जाता है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो नज़र आते हैं ये मशरूम है जिसे आप खरीदते हैं और जिसकी की सब्जी बनाई जाती है या फिर खाते हैं, कुछ लोग कच्चा भी खाते हैं, तो अपनी अपनी तरह से लोग खाते हैं इसे, तो ये खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से मशरूम की खेती की जाती है। आप लोगों को आज हमने पूरा वीडियो दिखाया एकदम प्रॉपर बना के, और अगर कुछ छूटा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बने रहिए हमारे वीडियो ब्लॉग्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताना। ठीक है भैया चलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर आएंगे कभी ज़रूर।